वो कौन सी जानवर थी जिसने इस दुनिया में पहली बार के लिए स्पेस ट्रेवल किया था? तो उसका एक ही जवाब आता है और वो है लाइका। हालांकि और भी कई लिविंग स्पीशीज थे जैसे कुछ मक्खियां या रैट्स जो लाइका से पहले स्पेस मिशन कर चुके थे। इसके अलावा एक और बंदर भी था जिसका नाम था एल्बर्ट वन, जिसने लाइका से पहले 1948 में एक सब ऑर्बिटल फ्लाइट में हिस्सा लिया था, जिसे पूरी तरीके से एक स्पेस मिशन नहीं कहा जा सकता। इसलिए लाइका को हम स्पेस मिशन करने वाली पहली जानवर के नाम से जानते हैं। लाइका के बारे में सुनकर हमें आज प्राउड फील होता है, क्योंकि वो दुनिया के सारे जानवरों में से ऐसी पहली जानवर थी जिसने एक लंबी स्पेस यात्रा की थी। लेकिन दोस्तों, क्या लाइका सच में एक खुशनसीब डॉग थी जैसा कि हमें न्यूज, पिक्चर्स और स्कूल की किताबों में दिखाया जाता है? तो दोस्तों, आखिर सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। 1950 से पहले इंसानों को स्पेस मिशन के लिए धरती से बाहर भेजना तब के टाइम के वैज्ञानिकों के लिए काफी चुनौती भरा हुआ काम था। स्पेस मिशन में इंसान सरवाइव कर पाएगा या नहीं, यह जानने के लिए अलग अलग प्रजाति के जानवरों को स्पेस में भेजा गया। बात है साल 1957 की, मॉस्को जो कि रशिया में स्थित है। इस समय मॉस्को के सड़कों पर लाइका एक मामूली आवारा कुत्ते की तरह घूम रही थी और इस समय इसकी उम्र करीब 3 साल थी। तब उसे क्या मालूम था कि वो इंसानी इतिहास में वो पहली डॉग होगी जो स्पेस मिशन के लिए जाएगी। सोवियत स्पेस प्रोग्राम के सहारे दुनिया का सबसे पहला उपग्रह स्पुटनिक 1 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया। लेकिन स्पुटनिक 1 में किसी भी प्राणी को नहीं भेजा गया, इसलिए वहाँ के वैज्ञानिकों ने सोचा कि क्यों न इस बार किसी जिंदा प्राणी को स्पेस में भेजा जाए। लेकिन शायद ये रशियन वैज्ञानिक इस दूसरे स्पेस मिशन को काफी जल्दी में करना चाहते थे, तो इसलिए लाइका के स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ 4 हफ्तों का ही समय मिला था, जिसका जुर्माना बाद में उस मासूम डॉग को भरना पड़ा। इस स्पेस क्राफ्ट का नाम था स्पुटनिक 2, जिसे खास करके इस डॉग के लिए ही बनाया गया था। इस स्पेस क्राफ्ट में एक कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्जर्वर, ऑक्सीजन जनरेटर और जानवर को ठंडा रखने के लिए एक फैन था। 7 दिन जिंदा रहने के लिए कुछ फूड्स और डॉग के स्टूल और यूरिन को कलेक्ट करने के लिए एक बैग रखा गया था। स्पुटनिक 2 का केबिन इतना छोटा था कि इसके अंदर घूमने फिरने के लिए भी कोई भी जगह नहीं थी, तो इस तरीके से स्पुटनिक 2 को डिजाइन किया गया था जो महज 28 दिनों में तैयार हुआ था। अब सिर्फ एक डॉग को ढूंढने की देरी हो रही थी। वहाँ के वैज्ञानिकों ने जानबूझकर गली के आवारा कुत्तों को चुना, क्योंकि उनमें बाकी घरेलू पालतू कुत्तों से ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में रहने की आदत होती है, जो स्पेस मिशन के लिए एकदम सही था। बहुत सारे खोज करने के बाद उन्हें लाइका मिलती है और लाइका के मिलने के बाद उसे ट्रेंड किया गया। स्पुटनिक 2 का केबिन काफी छोटा होने के कारण लाइका को 20 दिन के लिए एक छोटे पिंजरे में कैद करके रखा गया, ताकि वो स्पुटनिक 2 के केबिन में अच्छे से रह सके। देखते ही देखते लाइका का ट्रेनिंग खत्म होता है और वो स्पेस में जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उस टाइम इंसानों को स्पेस में जाने का तरीका तो मालूम था, लेकिन वहाँ से वापस आने का नहीं। मतलब देखा जाए तो ये एक सुसाइड मिशन था। लेकिन फर्क सिर्फ इतना था कि इसमें लाइका को पता ही नहीं था कि वो कुछ ही दिनों में मरने वाली है। लाइका को इस मिशन पर भेजने से पहले वहाँ के एक वैज्ञानिक लाइका को अपने साथ अपने घर ले गए और जिंदगी के कुछ आखिरी पलों में लाइका को अपने बच्चों के साथ खेलने कूदने का मौका दिया गया। अब लाइका को हमेशा के लिए अलविदा कहने का समय आ चुका था, तो फाइनली लाइका को स्पुटनिक 2 के अंदर केबिन में चैन से बांधकर अंदर डाल दिया गया, ताकि वो अपनी जगह से ज्यादा मूवमेंट ना कर पाए। और इसी पोजीशन में लाइका को 3 दिनों तक धरती के अंदर रखा गया, ताकि उसे इसकी आदत हो जाए। 3 नवंबर 1957, लाइका के जिंदगी का आखिरी दिन। लॉन्च के कुछ समय पहले लाइका को स्पेस क्राफ्ट में आखिरी बार के लिए बंद करते समय एक टेक्नीशियन ने लाइका के नाक पर चूम के उसे आखिरी बार के लिए अलविदा कहा, ये जानते हुए कि वो अब वापस नहीं आने वाली। इसके बाद स्पुटनिक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया गया और लाइका के साथ स्पुटनिक 2 स्पेस की तरफ बढ़ने लगा। लेकिन टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से स्पुटनिक 2 का एक हिस्सा रॉकेट से अलग नहीं हो पाया। शायद 4 हफ्ते का समय एक स्पेस क्राफ्ट को बनाने के लिए काफी नहीं था, और इसी के कारण से लाइका के केबिन का टेम्परेचर तेजी से बढ़ने लगा और लाइका की हर्ट रेट पहले से काफी ज्यादा बढ़ गई। नॉर्मल हर्ट रेट 103 से 240 तक पहुंच गया था। तो इससे ये बात तो साबित होता है कि उस समय लाइका को गर्मी के मारे कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ रहा था।
लेकिन फिर भी लाइका लगातार 3 घंटों तक मौत से लड़ती रही। लेकिन आखिरकार टेम्परेचर इतना बढ़ गया कि 5 घंटे के बाद लाइका के सेंसर से सिग्नल आना बंद हो चुका था और इसी के साथ लाइका की मौत हो चुकी थी। उसके मौत के बाद उसी अवस्था में स्पुटनिक 2 162 दिनों तक अंतरिक्ष में था और लगभग 2500 बार अर्थ को सराउंड करते हुए घूमने लगा। और इसके बाद 14 अप्रैल 1958 में स्पुटनिक 2 धरती के वातावरण में एंटर करते ही मरी हुई लाइका के साथ जलकर खत्म हो गया। 2008 में रशियन गवर्नमेंट ने लाइका के सम्मान के लिए एक मूर्ति स्मारक बनवाई थी। ये वही जगह था जहाँ लाइका को ट्रेनिंग दी गई थी। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक रॉकेट के ऊपर एक डॉग खड़ी है जो कि है लाइका। हमें लाइका के इस महाबलिदान को कभी नहीं भूलना चाहिए। स्पेस मिशन में इस डॉग की कुछ तो कंट्रीब्यूशन जरूर रही होगी, जिसके कारण आज हम बड़े बड़े मिशन के बारे में सोच सकते हैं। तो क्या साइंस के अपने फायदे और इंसानों के एडवांसमेंट और डेवलपमेंट के लिए इन जानवरों का बलिदान देना क्या आपको सही लगता है? नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तब तक के लिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में। जय हिंद।